मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली व्हाट इज सेंस ऑर्गन। तो सिंस योर चाइल्डहुड आप सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ते होंगे। तो सेंस ऑर्गन क्या है कि वो ऐसा ऑर्गन है जो आपको मदद करता है कि जो भी बाहर का वातावरण है, वट एवर भी एक्सटर्नल स्टिमुली, जो भी बाहर का जेस्चर है उसको महसूस होने में, चाहे हम स्मेल की बात करें, बाहर अच्छा स्मेल हो रहा है, खराब स्मेल हो रहा है, तो वो स्मेल की बात करें, टच की बात करें, ठंड है, गर्म है, वट एवर, टेस्ट की बात करें, तो जो भी बाहर का चीज है उसको हम परसीव कर रहे हैं ड्यू टू ऑनली हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गेन। तो सेंस ऑर्गेन क्या है कि ये बहुत ही वाइटल ऑर्गेन है, बहुत ही इंटीग्रल ऑर्गेन है, जो हमें इन्वायरमेंट में परसीव करने के लिए क्षमता देता है, बनाता है, इन्वायरमेंट को महसूस करने के लिए। ओके एंड सेंस ऑर्गन इज वेरी नेसेसरी ऑब्वियस। फॉर एग्जाम्पल, यू थिंक यू आर ब्लाइंड, देन हाउ कैन यू सी द ब्यूटिफुल वर्ल्ड अराउंड यू, नहीं देख सकते आप। तो ये जितने भी सेंस ऑर्गन है ये बहुत ही वाइटल है सस्टेन करने के लिए इन्वायरमेंट के साथ। ओके अब हमारा जो सेंस ऑर्गेन पढ़ना है वो आइज पढ़ना है, ईयर पढ़ना है, तो अलग अलग करके पढ़ेंगे। फर्स्टली आई एम स्टार्टिंग विथ आइज। तो आइज क्या है, तो आईज सबसे डेलिकेट ऑर्गेन है और सबसे बेस्ट ऑर्गेन कह सकते हैं आप, क्योंकि जस्ट आईज नहीं है तो आप इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को नहीं देख सकते थे। तो अब देखने के लिए आईज का जरूरत है। तो जो भी चीज हमारे अगल बगल है उनको देखने के लिए, उनको सेंस करने के लिए हमको क्या चाहिए, आईज चाहिए ऑब्वियस। तो अभी आईज क्या है, एक तरह का फोटो रिसेप्टर्स ऑर्गेन है, क्योंकि इससे हम पूरे दुनिया को देख पाते हैं। तो अब इसमें हमको पढ़ना क्या है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आईज, मतलब कैसा स्ट्रक्चर है और उसका काम क्या है, दोनों पढ़ना है हमको। बेसिकली एग्जाम में भी आपको आईज एंड ईयर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो दोनों पे ज्यादा फोकस कीजिए। बट ऑल आर इम्पोर्टेंट, बट क्वेश्चन ज्यादा इस आईज एंड ईयर से आता है, तो मैं आप ज्यादा इस पर ध्यान दे सकते हैं। तो फर्स्टली हम एनाटॉमी में जाएंगे, देन वी विल स्टडी अबाउट फिजियोलॉजी। तो अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जनरली इसका स्फेरिकल इन शेप है, सभी को पता है कि आंखें गोल होती है, और इसका जो डायमीटर है 2.5 सेंटीमीटर के लगभग में है। लोकेशंस क्या है, हमारे ऑर्बिट्स में है, और यहाँ पे काफी ज्यादा ऑप्टिक नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, और इसी ऑप्टिक नर्व्स की वजह से हमको परसेप्शंस होता है, विजुअल परसेप्शंस होता है। अगर ऑप्टिक नर्व्स नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑप्टिक नर्व्स नहीं है, तो हमारी रेटिना में कितना भी क्या बोलते हैं इमेजेस बन जाए, तो वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, तो हमारा विजुअल परसेप्शंस नहीं हो पाएगा। तो ऑप्टिक नर्व्स का हेल्दी रहना रहना बहुत जरूरी है हमारे बॉडी में। उसके बाद नर्व्स प्रेजेंट है, उसके साथ बहुत सारे मसल्स, 6 सेट ऑफ मसल्स भी अटैच होते हैं आईबॉल के साथ, जो इसको डिफरेंट वे में रोटेट करते हैं। जैसे हमारे पास दो आंखें हैं, दोनों मिलके काम करते हैं। ओके अब हम स्ट्रक्चर्स में आते हैं, एक एक करके स्ट्रक्चर्स में आते हैं। तो ये हमारा आई का शेप है, आपको बस आगे का दिखता है, बट इन क्या बोलते हैं, अगर आप देखेंगे तो वो पूरा गोल दिखता है। नाउ तो आईज जो होते हैं हमारे, ये 3 लेयर्स के, आई बॉल जो है हमारे वो 3 लेयर्स के बने होते हैं, आउटर, मिडिल एंड इंटरनल, या इनर कह सकते हैं। तो आउटर जो है हमारा क्या होगा कि कोई भी चीज अगर आउटर पे है तो उसका फोरमोस्ट काम क्या होता है, प्रोटेक्शंस के लिए, ऑब्वियस प्रोटेक्शंस करेगा। मिडिल लेयर है हमारा वास्कुलर टाइप ऑफ लेयर है, जहाँ पे सिलियरी बॉडी प्रेजेंट है, आईरिस प्रेजेंट है, कोरोइड प्रेजेंट है। एंड इनर लेयर हमारा क्या है, रेटिना है, जहाँ पे और दूसरे फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके तो फर्स्टली जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर आपको, ये पूरा डायग्राम, लेबल वेल लेबल डायग्राम याद करना पड़ेगा कि कहाँ पे रेटिना प्रेजेंट है, कहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स प्रेजेंट है, ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पे है, वो टोटल चीज आपको ड्राउ करना पड़ेगा। तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। ओके तो फर्स्टली हम पढ़ लेते हैं कि दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आईज। तो ये आउटर सरफेस है, यहाँ पे थोड़ा बल्जिंग है, हालांकि गोल होना चाहिए, हम पढ़ रहे हैं गोल होना चाहिए, बस थोड़ा आगे का जो पर्सन है वो थोड़ा बल्जिंग की नेचर है। तो फर्स्ट, और ये है आईरिस। तो आईरिस हमारा, आईरिस में क्या होता है कि ये सबसे कलरफुल पार्ट है। आप जो आंख देखते हैं सभी का, किन्हीं का ब्लैक होता है, किन्हीं का ब्राउन होता है, लाइट ब्राउन होता है, डिफरेंट कलर्स,
किन्हीं का ब्लू होता है, तो ये जो कलर है वो ड्यू टू आइरिस है। ओके, आइरिस की वजह से ही, आइरिस का जो कलर है उस कलर से आपके आइरिस के कलर पता चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अब हम पूरा एक एक करके अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो दैट इज कंजक्टिवा। यहाँ पे ये सीलियरी मसल्स है, जो है आईडी से लेंसेज है, प्यूपिल है, एंटीरियर चैम्बर है, दूसरा पोस्टीरियर चैम्बर है, विट्रस ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर भी रहता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको याद करने पड़ेंगे। अब हम फिजियोलॉजी पार्ट्स में जाते हैं या एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी साथ साथ पढ़ते हैं, तो हम पढ़ेंगे कि जैसे स्क्लेरला है या रिटिना है, व्हाट आर द यूज ऑफ रिटिना। ठीक है, अब एनाटॉमी कैसा दिखता है, इनर पार्ट है, आउटर पार्ट है, व्हाट एवर कौन सा पार्ट है, तो ये हमको जानना पड़ेगा ना। तो हम जान गए कि हमारे आईबॉल्स के थ्री लेयर्स हैं, आउटर फिब्रस, मिडिल वास्कुलर एंड थर्ड वन इज इनर। तो स्केरला कॉर्निया कंजक्टिवा, दिस इज द आउटर लेयर। मिडिल में हमारा सिलियरी है, ओरोइड है एंड आइरिस है, एंड इनर लेयर हमारा रेटिना प्रेजेंट है। आउटर लेयर के बारे में फर्स्टली हम पढ़ते हैं, तो दैट इज स्केरला, दैट इज स्केरला। ठीक है, आउटर लेयर ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे रहेगा, आउटर मीन्स टोटल में आउटर, फिर मिडिल मीन्स टोटल का मिडिल, इनर मीन्स टोटल का इनर। ओके ना, तो स्केला स्केला क्या है कि ये सबसे आउटर मोस्ट है, तो ऑब्वियस टफ फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होगा। और ये मोस्टली अगर हम कवरेज की बात करते हैं तो 5 to 5 5 by 6 पार्ट ऑफ आई बॉल्स को कवर करके रखता है। उसके बाद अब आउटर पास्ट है तो ऑब्वियस ये क्या करेगा कि सेप देगा, दूसरा प्रोटेक्शन करेगा, जो भी एक्सटिंसिंग मसल ऑफ आईज हैं उनको अटैच करके रखता है। नेक्स्ट पार्ट इज कॉर्निया, ये काफी हमारा कॉर्निया जो पार्ट से आईज का वो क्या है, हमारा ट्रांसपेरेंट है, और फ्रंट पार्ट है स्केला लास्ट पार्ट हो जाता है, जो फ्रंट पार्ट है उसका दैट इज कॉर्निया। तो ये थोड़ा बल्जिंग इन नेचर है, थोड़ा उबड़ा हुआ पोर्शंस है। अब यहाँ पे क्या है कि कॉर्निया जो है बेसिकली हमारे आईज को क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और दूसरा लाइट को फोकस कराता है हमारा, लाइट रेटिना पे, क्योंकि आईज एंटर करेगा हमारा कहाँ, रेटिना पे नहीं जाएगा तो विजुअल परसेप्शंस नहीं बनेंगे। सो ये क्या करता है कि लाइट को रिफ्रैक्ट करके हम सारे लाइट को फोकस करता है हमारी रेटिना पे। रेटिना इज लाइक स्क्रीन, एक स्क्रीन है। तो वहां पे ये कॉर्निया का क्या मतलब है कि पहले तो ऑक्सीजन लेगा, हमारे एयर एयर से ऑक्सीजन लेना शुरू करता है, दूसरा जो लाइट है उसको डायरेक्ट फोकस करता है हमारे रेटिना पे। नाउ नेक्स्ट वन इज कंजक्टिवा, फर्स्टली वी विल सी वेयर इज कंजक्टिवा। तो ये वाला जो पोर्शंस आपने देखा है दैट इज कंजक्टिवा। ठीक है, बाहरी पोर्शंस, ये हमारा कंजक्टिवा है। तो अब ये जो कंजक्टिवा है इसका यूज क्या है, तो ये भी एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जो कॉर्निया को प्रोटेक्ट करता है, कवर अप करता है। तो कॉर्निया को प्रोटेक्शंस देना ही कंजक्टिवा का काम होता है। और इसका बनावट का काम करें तो यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का ये बना होता है। टिश्यू में आपने पढ़ा होगा कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, तो ये भी एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टाइप ऑफ टिश्यूज है। ये तो हमारा आउटर पोर्शंस हो गया ना। मिडिल पोर्शंस अब क्या है, मिडिल वास्कुलर क्या है कि इसमें फर्स्टली दो तीन चीजें होती हैं जो हम जानेंगे। फर्स्ट इज कोरोइड, तो हम एक बार फिर से स्ट्रक्चर देखेंगे तीनों का। अब यहाँ पे क्या है, हमारा सिलियरी मसल्स, दिस इज आइरिस, लेंसेस, प्यूपिल। ओके, तो हम इतना देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये क्या है कि कोरोइड क्या है कि वास्कुलर और पिगमेंटेड लेयर है जो स्केडला के नीचे रहता है, तो नीचे है दैट्स व्हाई इट्स मिडिल लेयर। तो अब ये जो पिगमेंटेड सेल है हमारा, ये क्या करेगा कि लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और फर्दर रिफ्लेक्ट होने से प्रिवेंट करेगा। ऐसा नहीं कि लाइट को लिया और इधर उधर फिर दूसरे डायरेक्शंस में इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, नहीं, ये क्या करता है कि टोटल रिफ्लेक्शंस को प्रिवेंट करता है ताकि पूरा का पूरा लाइट हमारा रेटिना पे चला जाए। तो और दूसरा फंक्शंस क्या है, अपार्ट फ्रॉम प्रिवेंट रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशंस।
हमारे आईज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। दूसरा काम कोरोइड का यही है। अगर फंक्शंस में गए तो इसका दो फंक्शंस है, दैट इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड टू प्रिवेंट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड सेकेंड वन इज सीलियरी बॉडी। तो सीलियरी क्या है कि कोरोइड से अटैच होता है और ये कहाँ रहता है, स्केडला और कॉर्निया के जंक्शंस पे प्रेजेंट होता है। हमारे आईज में टू सेट्स ऑफ सीलियरी मसल्स होते हैं। अब ये जो सेलियरी मसल्स है ये क्या करता है कि हमारे लेंसेस को पकड़ के रखता है। ऊपर से लेंसेस पकड़ेगा, नीचे से लेंसेस पकड़ के रखता है। तो अब ये क्या करता है कि अब लेंस को पकड़ा तो क्या हुआ कि कभी हमारे लेंस को कन्वर्स किया, कभी डाइवर्स किया, या कॉन्ट्रैक्शंस या रिलैक्शंस, इन सिंपलर भाषा आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आईज को बहुत ज्यादा लाइटिंग आ गई तो लेंसेस का एकोमोडेशन बदलता है कि उसको पतला करना है, मोटा करना है, व्हाटएवर। तो यही जो काम कर रहा है वो हमारा सीलियरी बॉडी करता है। ओके, तो फंक्शंस उसका यही है कि हमारे जो लेंस है उसके शेप को बदलना, कॉन्ट्रेक्शंस करना या रिलैक्सेशंस करना अकॉर्डिंगली, जब जैसा जरूरत हो वैसा करना। ओके, तो सीलियरी मसल्स का मेन काम यही है कि पहला तो लेंस को उसके पोजिशंस पे अप्रोप्रिएट रखना, दूसरा अकॉर्डिंगली बदलना लाइट के हिसाब से उसका शेप एंड शेप को बदलना। कभी फुल्ली कर देता है, रिलैक्स कर देगा, कभी कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। ओके, नेक्स्ट वन इज आयरिस। तो आयरिस हमारा क्या है, ये मस्कुलर पिगमेंटेड ओपेक डायफ्राम है जो आई बॉल्स पे हैंग करते हैं इन फ्रंट ऑफ लेंसेस, और ये सबसे ज्यादा कलरफुल पार्ट है। इसके जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है वो आईज को ब्यूटीफुल कलर देते हैं, व्हाट एवर बी कलर ऑफ योर आईज, इट इज ड्यू टू आईज। तो अब ये आपके आंख के कलर आईरी ब्लैक है तो आपके आंख ब्लैक दिखेंगी, ब्राउन है तो ब्राउन दिखेंगी, एंड ब्लू है तो ब्लू दिखेंगी। तो वो टोटली डिपेंड करता है आईज पे, बट नाउ इट इज यू कैन यूज एनी कलरफुल लेंसेज टू चेंज द कलर ऑफ योर आईज। तो खैर अभी तो सभी कुछ मिलने लगा है, बट ओके, नेचुरल कलर की अगर हम बात करें तो वो हमारे आईरिस की वजह से ही आते हैं। आईरिस का एक काम तो चलो ठीक है, ओके, कि ये आपके आईज को कलर देते हैं। दूसरा जो काम मेनली क्या होता है, ये जो आईज लाइट आ रहे हैं हमारे आंख में उसको कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं कि सारे लाइट्स को अचानक से बहुत सारे लाइट पड़ गए वो सारे आंख को एक साथ घुसने दे दिया और आंख हमारा चौकाचौंध होके खराब हो सकता है, तो वो नहीं करता। वो वहां पे एक कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट कितना जाना चाहिए, तो वो उसको कंट्रोल करता है, हमारे प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करके वो उसको कंट्रोल करता है। लाइट कितना अमाउंट ऑफ लाइट जाना चाहिए, एप्रोप्रिएट अमाउंट उसको ही जाने देता है, बाकी को ये रोक देता है। तो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ आइरिस। और एनाटॉमी की बात करें तो इसका जो ओपनिंग होता है स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड पिपिल। तो आईज आपने देखा होगा एक गोल सा है, उसमें कुछ कुछ रेडिएटेड चीजें हैं और एक उसमें और एक होल दिखता है, तो दैट इज पिपिल। जो आपको क्या बोलते हैं ब्लैक दिखता है, बट दैट इज नॉट ब्लैक। अगर आप बहुत अच्छे से आईज पे आईना लगा के देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो दैट इज नॉट ब्लैक, इट्स अ होल, वो अंदर जाने का रास्ता है। तो अब यहाँ पे आईज जो आपको दिख रहे हैं तो वो क्या करता है, लाइट एंट्री का रास्ता है, तो दैट स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग इज नोन एज प्यूपिल। तो ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, कितना बढ़ना है कितना घटना है, और कोई भी चीज एट्रोपिन सब जो हम यूज करते हैं वो यहीं पे यूज होता है, कॉन्ट्रेक्शंस रहे या चाहे जो भी रहे तो वो उसका यूज यहीं पे होता है। ओके, यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ मसल प्रेजेंट है, सर्कुलर और रेडियल मसल्स, और इसी का जो मूवमेंट है मसल्स का, रेडियल और सर्कुलर मसल्स का, वही साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करता है। ओके, तो कभी कभी आपने देखे होंगे कि जब भी हम क्या बोलते हैं एट्रोपिन सब आंख में देते हैं तो उसका जो इफेक्ट्स होता है वो हमारे प्यूपिल पे ही दिखता है। उसके बाद हमारा इनर लेयर की बात करें, सबसे इनर लेयर जहाँ पे हमारे रेटिना प्रेजेंट है, तो यहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल्स, फोटो सेंसिटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो लाइट को सेंसेशंस करते हैं। फोटो रिसेप्टर, फोटो को, फोटो मीन्स लाइट, तो लाइट को पकड़ने वाला रिसेप्टर्स या लाइट से सेंसिटाइज होने वाला चीजें वहां पे, एलिमेंट्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्टली हमारा क्या है, रेटिना, जो हमारी आंखों के लिए एक स्क्रीन का काम करते हैं, और यहाँ पे बहुत ज्यादा फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली आप ये कह सकते हैं। तो ये सबसे हमारे इनर मोस्ट लेयर है। दूसरा, यहाँ पे बहुत ज्यादा फोटो रिसेप्टर्स
सेल प्रेजेंट है, नब सेल प्रेजेंट है, बेसिकली रोड्स एंड कॉन्स। अब हमारे एक आईबॉल में 125 मिलियन रोड सेल्स और 7 मिलियन कॉन सेल्स प्रेजेंट हैं। और रोड सेल और कॉन सेल्स के बारे में जानते हैं कि जो भी कलरफुल लाइट है ड्यू टू कॉन सेल्स जो दिखता है, एंड ब्लैक एंड व्हाइट के लिए हमारा रोड सेल्स होता है। उसके बाद जो फोबिया होता है हमारे, वो सबसे साफ एक्यूट विजन देता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ पे विजन नहीं आता है। और फोबिया सेंट्रली साथ में वो हाईली सेंसिटिव है बहुत ज्यादा। और सबसे ज्यादा जो मैग्नीफाइड इमेज होते हैं, जो सबसे साफ इमेज जिस पॉइंट पे मिलता है, दैट पॉइंट इज फोबिया सेंट्रलीज। ओके, और एक पॉइंट है ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे कोई तरह का रॉड रॉड सीन या रॉड या कोन सेल प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे कोई जनरली ब्लाइंड है, सो यहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्मेशंस नहीं होता है, सो इट्स कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। उसके बाद रॉड सेल एंड कॉन सेल है, तो ये हमने पहले बता दिए कि रॉड सेल्स जो है परसेप्शंस देता है ब्लैक एंड व्हाइट सेल्स को, और कॉन सेल्स क्या होता है कि जितने भी परसेप्शंस कलरफुल है वो सारे हमारे कॉन सेल्स के वजह से होते हैं। ओके, ये इसकी कॉन सेल की वजह से हम ब्राइट लाइट या डिफरेंशिएट कलर्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आइडोक्सिन्स प्रेजेंट होता है फोटो कॉन्स में। और उसके बाद रॉड सेल्स जो होता है ये जनरली हमारा नाइट विजन्स के लिए होता है, और डिम लाइट में फंक्शंस करता है बेसिकली। उसके बाद अब आई लेंस और चैम्बर्स की बात करते हैं। तो आई लेंस लेंसेज है, जैसे आपने फिजिक्स में लेंसेज पढ़ा है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस का जो यूजेस है सिमिलर, यहाँ पे आई लेंसेज सिमिलर वैसे ही लेंस है हमारे आईज में। तो ये लार्ज फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट बाय कॉनकेव इन नेचर है। ओके, ये चीज याद रखना पड़ेगा, दैट इज बाय कॉन्वेक्स इन नेचर है। कभी कभी पूछ देता है कि आईज में जो लेंसेज है उसका नेचर क्या है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, बाय कॉनकेव, बाय कॉन्वेक्स। ओके, आंसर विल बी बाय कॉन्वेक्स, इस टाइप का है ना, ऑब्वियस, तो दैट इज बाय कॉन्वेक्स। उसके बाद ये क्या है कि ट्रांसपेरेंट इलास्टिक कैप्सूल्स के अंदर इंक्लोज्ड है। इसको पावर ऑफ एकोमोडेशंस, कब इसको मोटा होना है, कब इसको पतला होना है, अकॉर्डिंगली दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशंस। ये इसके थिकनेस को कंट्रोल करने के लिए वहां पे सीलियरी मसल्स प्रेजेंट है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद इमेजेस, अब इसका इमेजेस कहाँ बनेगा, जैसे आपने पहले भी पढ़ा था कि कॉन्वेक्स फिजिक्स में कि लाइट जैसे कॉन्वेक्स में ट्रांसफर होगा कॉन्वेक्स लेंसेज में, वो साथे जाके कहाँ पे एक पॉइंट पे एक स्क्रीन पे जाके देगा, दैट स्क्रीन इज इन आर आईज रेटिना, वो रेटिना पे देता है। ओके, उसके बाद लेंसेस सेपरेट्स आई बॉल इनटू टू चैम्बर्स। लेंस जहाँ पे है हमारा उसके आगे का और पीछे का दो चैम्बर है, दैट इज एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर। अब यहाँ पे देख लीजिए, फिर से हम दिखा देते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा कि इनर मिडिल और जो भी था उसके बाद दो चैम्बर्स में यहाँ बटा हुआ है। ये क्या है, एंटीरियर चैम्बर्स और ये हमारा विट्रस चैम्बर्स या विट्रस ह्यूमर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एंटीरियर ह्यूमर प्रेजेंट होता है। तो आई बॉल की वजह से यहाँ का एक खाली पोर्शन है, यहाँ का व्हाइट पोर्शन जो भी दिख रहा है, ये टू टाइप्स में डिवाइडेड है। और क्या यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो एक्वस चैम्बर क्या है कि आगे वाला जो पोर्शंस है हमारा, यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दोनों में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, बट फ्लूइड के जो नेचर्स हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एक्वस चैम्बर ये स्मॉलर फ्लूइड चैम्बर्स है कॉर्निया और लेंस का, क्योंकि लेंस से इनर वाला जो पोर्शन है वहां, रेटिना वाले पोर्शन है वहां का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, तो लार्जर फ्लूइड फिल्ड चैम्बर्स है। तो अब यहाँ पे जो एक्वस ह्यूमन प्रेजेंट होता है वो बेसिकली उसमें क्या रहता है, अमीनो एसिड्स होता है, ग्लूकोज होता है, स्कॉर्बिक एसिड होता है, हेलुरोनिक एसिड होता है, रेस्पिरेटरी गैसेस होते हैं समटाइम्स। और इसके मेनली काम क्या है कि हमारे जो लेंसेज हैं, हमारी जो कॉर्निया है उसको नॉरिश करें। ओके, क्योंकि आईज अगर ड्राई हो जाएंगे तो ये सारे काम करना बंद हो जाएंगे। तो ये क्या करता है कि हमारे एक्वस ह्यूमर जो भी चीजें हैं हमारे आंख में, जो फ्लूड फील्ड है, वो क्या करता है कि हमारे आईज को नॉरिश करता है हमेशा, लेंसेस को, कॉर्निया को, और जो लाइट है उसको फोकस रखता है हमारा रेटिना पे। विट्रस चैम्बर जो है वो हमारे लेंस एंड रेटिना के बीच का है। इसमें हमारा क्या होता है कि जिलेटिनियस विट्रस ह्यूमर है, जहाँ पे कुछ सॉल्ट प्रेजेंट है, कुछ म्यूकोप्रोटीन प्रेजेंट है, और ये भी क्या करता है कि रेटिना
जो भी लाइट है वो सपोर्ट्स करता है फर्स्टली रेटिना को, दूसरा जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होता है उसको फोकस्ड करता है हमारा रेटिना। ओके, तो एक काम तो दोनों का कॉमन है कि ये क्या करता है, नॉरिसेस करेगा, वो आगे है तो नॉरिसेस, लेंसेज एंड कॉर्निया ये लास्ट में है, तो सपोर्ट्स किसको करेगा, नॉरिसेस किसको करेगा, रेटिना को। और दूसरा काम क्या करता है कि रिफ्लेक्ट लाइट रेज एंड फोकस ऑन रेटिना, दोनों काम दोनों का है, एंड चाहे वो एंड एक्वस चैम्बर हो या विट्रस चैम्बर हो, दोनों का ये कॉमन काम है। ओके, तो ये हमारा एनाटॉमी था, उसके साथ जो भी पार्ट्स था उसका फिजियोलॉजी भी था। अगर मान लीजिए कभी आपसे पूछ जाए कि विजुअल परसेप्शंस कैसे होता है, इमेज फॉर्मेशंस कैसे होता है, तो आप क्या जानेंगे? ओके, यहाँ तो हमने सभी का जान लिया कि एग्जाम कैसे, मतलब क्या से काम करता है, आयरिस है तो उसका काम क्या है, सिलियरी है तो अकोमोडेट करेगा, लेंसेस को लेंस है तो वो क्या करेगा, बट फिजियोलॉजिकल इवेंट्स क्या है, अगर इमेज फॉर्मेशन होना है तो वहां पे फिजियोलॉजिकल इवेंट्स क्या होंगे, तो उसके लिए हम देखेंगे क्या होंगे। तो फर्स्टली हमारा क्या होता है कि लाइट रिफ्लेक्शंस आईज में, जैसे ही हमारा लाइट जाता है तो वो बेंड करेगा, जो जो रिफ्लेक्शंस आपने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस पढ़े होंगे, तो रिफ्लेक्शंस में क्या होता है कि आया लाइट सीधा डायरेक्शंस में मुड़ गया, दैट इज रिफ्लेक्शंस, एंड रिफ्रैक्शंस इज दैट कि लाइट आया उसको वो थोड़ा बेंड हो गया, तो बेंडिंग जो होता है दैट इज रिफ्रैक्शन। तो लाइट रिफ्रैक्ट किया हमारे आईज में, और इमेज कहाँ पे फोकस्ड हुआ, रेटिना में, क्योंकि जितने भी ऑर्गेन है हमारे आईज में सबका लास्ट लास्ट का मोमेंट में यही है कि उसको स्क्रीन पे ले जाना है लाइट को, तो लाइट इमेज फोकस्ड हुआ हमारे रेटिना में, कोई भी लेंस एकोमोडेट हुआ, सेलियरी मसल्स वहां पे हेल्प किया, जो भी, तो इमेज कन्वर्जेंस हुआ। उसके बाद जो हमारा फोटो रिसेप्टर सेल है, ऑप्टिक नर्व्स, वो क्या किया, फोटोकेमिकल एक्टिविटी हमारे रेटिना में हुआ, तो ये जो न्यूरल इम्पल्स है इसको कन्वर्स किया और हमारे ब्रेन तक पहुंचा दिया। उसके बाद हमारे ब्रेन में प्रोसेस किया इस चीज को, उसके बाद परसेप्शंस हुआ, हमारे ब्रेन ने उसको डिक्लेयर किया कि हाँ मुझे ये चीज दिख रही है। ओके, तो दैट इज द फिजियोलॉजिकल इवेंट्स। अगर एक एक पार्ट्स की बात करेंगे आप, तो क्या होता है, बोथ आर सेम, ये ऊपर वाले पोर्शंस भी सेम है, नीचे वाले पोर्शंस भी सेम है, यहाँ पे थोड़ा आगे विस्तृत में बताया गया, तो एग्जाम में कम मार्क्स में आए तो आप ऊपर वाले लिखेंगे, नहीं तो नीचे वाले लिखेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है कि फर्स्टली आईज में कॉर्निया के थ्रू लाइट एंटर हुआ। ओके, फर्स्ट 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 थिंग इज क्लियर। तो इसका जो डोम नेचर है, इस टाइप का जो नेचर है, उससे क्या हुआ कि लाइट बेंड्स हो गया और फोकस्ड हो गया, तो अब क्या हो गया कि लाइट हमारा प्यूपिल के थ्रू हमारे लाइट अंदर गया। उसके बाद अब ये जो प्यूपिल है, आयरिस है, तो आयरिस क्या करता है कि वो कंट्रोल करेगा कितना लाइट को जाना चाहिए प्यूपिल के थ्रू। तो जैसे ही लाइट एंटर करेगा लेंसेस पे, तो लेंस क्या करेगा, उसको फोकस करेगा हमारे रेटिना पे। तो अब जैसे ही हमारे रेटिना पे फोकस किया लेंसेस, लेंसेस में अकोमोडेशंस होता है, अकॉर्डिंगली उसके शेप एंड साइज को बदला जाएगा, वो काम खैर हमारे सिलियरी मसल्स करते हैं। ओके, जैसे ही लाइट हमारा एंटर किया हमारे आईज पे, तो हमारा क्या हुआ कि जितना भी लाइट है वो कहाँ पे चला गया, हमारे रेटिना पे। जैसे ही लाइट हमारे रेटिना पे पड़ा, इमेज फॉर्मेशंस हुआ वहां पे, तो हमारे जो फोटो रिसेप्टर सेल हैं उसको क्या करेंगे, उस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन को वही भाषा समझ में आती है, वो इमेज को नहीं समझ पाएगा अनलेस कि उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ना मिले। तो जैसे ही ये सिग्नल्स पास हुआ हमारे ब्रेन में थ्रू ऑप्टिक नर्व्स, तो हमारे जो ब्रेन है इन सिग्नल्स को इमेजेस में बदलते हैं जिसको हम देख पाते हैं। ओके, तो आई थिंक द इट इज क्लियर नाउ। और अब रेटिना से आगे वाला कैसे होता है पोर्शंस, कि जैसे ही हमको रेटिना में कोई भी विजुअल परसेप्शंस हुआ, हमारे ऑप्टिक नर्व्स तक गया, ऑप्टिक चेस्मेटा में गया, ऑप्टिक ट्रैक्स में गया, फिर लेटरल जेनिकुलेट्स में गया, ऑप्टिक रेडिएशंस में गया, ऑप्टिक विजुअल कॉर्टेक्स तक गया, तो ये टोटल एक क्या बोलते हैं सीन बना हुआ है जहां से चीज जाते हैं हमारे ब्रेन तक। तो आई थिंक द थिंग इज क्लियर नाउ।
तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं जिनको नहीं समझ में आया। आईज में कॉर्निया के थ्रू गया। अब आईज में जो हमारा आंख है वो ऐसे नहीं है, कॉर्निया स्ट्रेट नहीं, ये थोड़ा डोम शेप का है। डोम शेप का है तो ये क्या करेगा, लाइट को थोड़ा बेंड्स करेगा, क्यों, फोकस करने के लिए। अब लाइट क्या करेगा, आईज कॉर्निया के थ्रू हमारे प्यूपिल्स से जाते हुए लेंस तक जाएगा, और उससे ये पहले पूरा लाइट को फोकस नहीं करेगा क्योंकि आयरिस वहां प्रेजेंट है। आयरिस क्या करता है, आंख में जितने भी लाइट जाना है उसको कंट्रोल करता है। ओके, फर्स्ट कंट्रोल वहां पे हुआ। दूसरा, सिलियरी मसल प्रेजेंट है जो लेंसेस को अकोमोडेट किया हुआ है, तो उस हिसाब से अकोमोडेशंस देगा, शेप एंड साइज बदलेगा। उसके बाद लाइट कहाँ पड़ेगा, हमारे स्क्रीन पे, कहाँ, रेटिना पे। रेटिना में बहुत सारे फोटो रिसेप्टर्स सेल्स प्रेजेंट है, जैसे ही वहां इमेज बनेगा वो उसको सिग्नल्स में बदलेगा, और ऑप्टिक नर्व्स होते हुए वो कहाँ सिग्नल चला जाएगा, हमारे रेटिना से ब्रेन में। ब्रेन उसको एनालाइज करेगा, उस एक सिग्नल्स को इमेजेस में बदलेगा जिसको हम देख रहे हैं। तो दिस इज द विजुअल परसेप्शंस। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद ईयर एंड अदर सेंस ऑर्गन। ओके, इफ यू हैव क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। ओके।